हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट लेने जा रहा है। 15 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसका असर 16 व 17 दिसंबर को ज्यादा रहने वाला है। इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश में बीते सोमवार को बादल भी छाए रहे। हिमाचल में मौसम के बदल रहे मिजाज के बाद ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम केंद्र शिमला के मौसम वैज्ञानिक बुहिलाल ने बताया कि 15 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 16 और 17 दिसंबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसमें मुख्यतः चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। दो दिन तक मौसम खराब रहने के बाद आगामी दिनों में साफ रहने की संभावना है। इसके बाद दिसंबर के अंत में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। उन्होंने बताया कि न्यूनतम तापमान में भी सामान्य से कम 1 डिग्री कमी दर्ज की गई है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 15 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है, जिससे 16 और 17 तारीख को चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंची पहाड़ियों में हल्की बारिश और हिमपात होने की संभावना है। उसके बाद दिसंबर के एंड में मौसम खराब होने की संभावना है, जिससे ऊंची पहाड़ियां और मध्यवर्ती पहाड़ियों में बर्फ और बारिश होने की संभावना है, और मैदानी और निचली पहाड़ियों में बारिश होने की संभावना है। आज शिमला का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री रिकॉर्ड किए गए, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है, और अधिकतम तापमान 15 डिग्री, जो कि सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है, रिकॉर्ड किया गया। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट लेने जा रहा है। 15 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसका असर 16 व 17 दिसंबर को ज्यादा रहने वाला है। इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश में बीते सोमवार को बादल भी छाए रहे। हिमाचल में मौसम के बदल रहे मिजाज के बाद ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम केंद्र शिमला के मौसम वैज्ञानिक बुहिलाल ने बताया कि 15 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 16 और 17 दिसंबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसमें मुख्यतः चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। दो दिन तक मौसम खराब रहने के बाद आगामी दिनों में साफ रहने की संभावना है। इसके बाद दिसंबर के अंत में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। उन्होंने बताया कि न्यूनतम तापमान में भी सामान्य से कम 1 डिग्री कमी दर्ज की गई है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हिमाचल के सबसे बड़े ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।